जेएलके मीडिया में पांच प्रमुख समाचार जो आपके लिए लेके आए हैं उसमें आपका स्वागत है। आहिस्ता आहिस्ता जो यूटी बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, उसमें अब केंद्रीय कानून लगने आरंभ हो गए हैं और इसमें प्रमुख तौर पर जहां जो पहले कानून व्यवस्था के लिए आरपीसी होता था रणबीर पिनल कोड, अब वो बदलकर आईपीसी इंडियन पिनल कोड हो गया है। और उसमें पहला केस जो आया है वो सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया है आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत, और सीबीआई ने रोजगार सहायक मुश्ताक हुसैन और जॉइंट इंजीनियर संदीप सिंह जो जंगराल पंचायत रजौरी में उन्होंने हेराफेरी की थी, सीबीआई में रिपोर्ट गई थी और सीबीआई ने इंडियन पिनल कोड के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर निवासियों को अपने परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता है। बने हुए हालात उन्हें शायद अब ये मजबूर कर रहे हैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए वो जम्मू कश्मीर से बाहर अपने बच्चों को भेजें। और इस बार 4,400 स्टूडेंट्स कश्मीर घाटी के, जिन्होंने देश के अलग अलग शिक्षा संस्थानों में और उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लिया है। और अगर हम बात करें इन सभी को प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एडमिशन मिली है और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 74% ये इंक्रीज हुआ है वर्ष 2018 के मुकाबले में। ये जानकारी स्वयं एचआरडी के सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम ने ट्विटर के माध्यम से दी। 2018 में इनकी संख्या केवल स्टूडेंट्स की 2,543 थी और अब जो संख्या 4,400 हुई है वो संकेत देता है बच्चों के भविष्य के लिए कश्मीरी चिंतित है। देश में एक विधान एक संविधान के तहत जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। कश्मीर में सुरक्षा कारणों से काफ़ी पाबंदियां लगी थी और कई चीज़ों को बंद कर दिया गया था, उसमें श्रीनगर में चलने वाली श्रीनगर बारामूला रेल भी थी, मगर अब इसको आरंभ किया जा रहा है और उसके ट्रायल आज भी पूरे हो गए हैं। और कल यानी कि रविवार से अब जो ट्रेन दक्षिण कश्मीर से उत्तर कश्मीर तक जाएगी, ये बात प्रमाण करती है कि आहिस्ता आहिस्ता अब कश्मीर का जीवन पटरी पर सही तरीके पर दौड़ना आरंभ कर रहा है। अनेकों राजनीतिक दल जो कश्मीर घाटी में थे उन्हें अलग अलग स्थानों पर नज़रबंद किया गया था, मगर बनी हुई बहुत ज़्यादा कड़क सर्दी से कई सवाल उठने लगे थे। जिन स्थानों पर उन्हें रखा गया था वहां से अब उन्हें निकाल कर अलग अलग क्षेत्रों में रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की सर्वोसरा सुश्री महबूबा मुफ्ती को सरकारी क्वार्टर जो है उसमें लाया गया है। पहले वो चश्माशाही की गेस्ट हाउस में थी और चश्माशाही क्षेत्र काफ़ी ऊंचे स्थान पर है और वहां पर काफ़ी बर्फबारी है, जबकि 34 और नेता जिन्हें संतूर होटल में रखा गया था मगर वहां से अब निकाल कर एमएलए हॉस्टल में 34 नेताओं को रखा गया है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर देश विदेश में जो अलग अलग समारोह हो रहे हैं, जम्मू भी उससे पीछे नहीं है। जम्मू में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्थानीय इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर प्रदर्शनी लगाई है जम्मू में गांधीनगर में स्थित गुरुद्वारा नानक नगर में। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था और काफ़ी ज़्यादा उत्साह आम संगत में नजर आया है यहाँ की प्रदर्शनी देखने के लिए।
इलेक्ट्रॉनिक्स शॉपी J&K's biggest mobile wholesale cum retail outlet. Are you suffering from any type of skin disease? Do you lose your confidence because of your baldness? Do you want to remove your tattoo, unwanted hair or black moles without any surgery? So here is Shine and Glow. Come and meet Dr. Amit Ved, laser aesthetic and cosmetic surgeon.